फ्री फायर में अगर आप लोगों को सोलो में ग्रैंड मास्टर पुश करना है तो गाइस ये 6 टिप्स को आप लोगों को फॉलो करना होगा, जो है गाइस एटैकिंग लैंडिंग, सेव रैंक, एक्सट्रीम लूट, प्रो जोन रोटेशन, नेक्स्ट लेवल कवर एंड लास्ट में इजी एंड सेव बुया। सो गाइस मैं आप लोगों को ये सब गेम के थ्रू बताऊंगा, तो गाइस आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, गेम के हर एक पार्ट को मिस मत करना, हर एक पार्ट को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा और ये सब पॉइंट ना आप लोगों को गेम के अंदर ही मिल जाएगा। आप लोग बस पूरा वीडियो देखो, मेरा गेम प्ले देखो तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। और गाइस इसको समझने के बाद ना आप लोग ओपी तरीके से ना नेक्स्ट सीजन में आराम से ग्रैंड मास्टर पुश कर लोगे। अभी भी अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर या तो मास्टर नहीं गए, इस सीक्रेट टिप्स को फॉलो करने के बाद आप लोग आराम से पहुंच जाओगे। सो गाइस शुरू करते हैं चलो वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हो तो मेरे भाई लोग प्लीज, कसम वसम नहीं देता हूं आप लोगों को, जस्ट रिक्वेस्ट करता हूं दिल से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। सो गाइस आप लोगों को ऐसा लैंडिंग करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। आप लोग ध्यान से देखो, मैं लैंडिंग कर रहा हूँ अभी। कैसे लैंडिंग कर रहा हूँ? ब्लू जोन में, क्योंकि सोलो में आप लोगों को उतरने के बाद एक दो किल करने की जरूरत है। मैं हमेशा सोलो में उतरने के बाद एक दो किल करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर एक दो किल हो जाता है ना तो आराम से मैं लास्ट में ना 5-6 किल कर लेता हूँ, तो मेरे को किल का टेंशन नहीं रहता। अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तो आराम से रिवाइव हो सकता हूँ, क्योंकि सोलो में आप लोग ऑटो रिवाइव हो सकते हो, ठीक है? तो गाइस ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसका आप लोगों को अच्छे से फायदा उठाना होगा। तो गाइस पहला टिप्स आप लोगों को याद रखना होगा, अटैकिंग लैंडिंग, ठीक है? तो लैंडिंग करते ही आप लोगों को कुछ भी मिले उसको लेके डायरेक्टली बंदे को रश करो, मतलब बंदे को मारने का ट्राई करो, ठीक है? जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, मैं इधर से एक बंदा मेरे को मारने के लिए आ रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है गाइस, लिटरली खाली हाथ हूं मैं, और गाइस मेरे को गन चाहिए, मैं किसी तरह इससे बच बच के इधर उधर से भाग रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, और बंदा भी मेरे पीछे खतरनाक तरीके से पड़ा है। आप लोग देख सकते हो भाई उसके पास क्या ही खतरनाक शॉर्ट रेंज का गन है, लेकिन मैंने बहुत ही चालाकी से उसको चकमा दिया और गाइस बहुत ही डर डर के इधर से मैं निकल गया। आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही दिमाग लगाया। उसके बाद गाइस बहुत ही ओपी तरीके से मैं कवर कवर लेके एकदम ओपी तरीके से इधर आके पहले मैंने एक गन लिया, ठीक है, इस लूट बॉक्स को खोल के। उसके बाद गाइस ओपी तरीके से इस घर में गया और देखा बंदा सामने है, मैं डायरेक्टली चला गया बंदे को मारने, क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है ऑटो रिवाइव होने का, ठीक है? अगर मरूंगा तो मैं ऑटो रिवाइव हो सकूंगा, तो भाई मेरे को अभी अटैक करना है, कुछ भी करके एक दो किल निकालना है। उसके बाद गाइस फटाक से एक बंदा मेरे सामने आ गया था, मैंने उसको बहुत सारा डैमेज दिया, उसने भी मेरे को दिया और गाइस बंदे ने ग्लोअल मार दिया भाई साहब। उसके बाद मैंने ग्लोअल के अंदर जाके उसको मारने की कोशिश की, लेकिन बंदा बहुत शाना था, इधर उधर भाग रहा था भाई साहब, इधर से भाग के उधर चला गया था। मैंने फिर भी उसको जाके ना बहुत ही ओपी तरीके से मार दिया। तो इसको मारने के बाद फर्स्ट किल कंप्लीट कर लिया मैंने। उसके बाद गाइस ओपी तरीके से मैंने मेडिकेट वेडिकेट मारा और गाइस अभी आप लोग देख सकते हो ऑटो रिवाइव होने का टाइम बंद हो चुका है, जो रेड कलर का हार्ड है ना वो चला चुका है। तो अभी क्या करना है, अभी ध्यान से सुनो, अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को अपना जो रैंक है ना उसको बचाना है। अभी अगर मरोगे ना बहुत माइनस लगेगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को कहना है, पहली बात तो आप लोगों को एकदम सेफ जोन जाना है, मतलब आप लोगों का रैंक सेव करना है, जो हम लोगों का सेकंड पॉइंट है रैंक सेव करना। तो इसलिए गाइस आप लोग देख सकते हो मैं ब्लू जोन से दूर जा रहा हूं और गाइस जाके एकदम आराम से कोई अच्छी जगह पर आराम से पहले लूट करूंगा। तो गाइस इस ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना और सेकंड ट्रिक जो है रैंक सेव करना। तो इसको अगर आप लोग नहीं करोगे ना, इधर ही रह के अगर आप लोग फाइट वाइट करोगे ना तो आप लोगों का बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए गाइस इधर जितना भी किल हो तो उसके बाद आप इधर से निकल जाओ, निकल के आराम से जाके कोई जगह पर लूट वूट कर लो एकदम प्रॉपर तरीके से। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं इधर आके एकदम ओपी तरीके से वेट कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर रेड जोन है। गाइस कुछ भी हो जाए रेड जोन में कभी भी निकलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? और गाइस आप लोग टोकन देख सकते हो मेरे पास 2900 टोकन है, ठीक है? तो अभी मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो इधर से मैं ओपी तरीके से सब कुछ खरीद रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने खरीद लिया कि मतलब चाबी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को जाके बहुत ही ओपी तरीके से वो लूट बॉक्स खोलना है बहुत बड़ा, जहां पर बहुत सारा लूट रहता है, ठीक है? अपडेट के बाद जो आया है तो उसका चाबी मैंने खरीद लिया और जो जो मेरे को चाहिए था 4x, उसके बाद 2-3 चिप, जितना टोकन है मैंने सब कुछ इधर वेस्ट कर दिया, सब कुछ मैंने खरीद लिया। और खरीदने के बाद ना ओपी तरीके से अभी जाऊंगा उस बॉक्स को खोलने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को क्या करना है, ओपी तरीके से प्रॉपर लूट करना है, मतलब एक्सट्रीम लूट करना है, जो हम लोगों का थर्ड पॉइंट है। गाइस आप लोगों को तो एक्सट्रीम लूट करना है, लेकिन ध्यान से करना है, क्योंकि गाइस जहां पर बंदे होंगे ना उधर आप लोगों को लूट वूट नहीं करना है, जहां पर बंदे नहीं होंगे ना आराम से पहले देख लेना है और उसके बाद जाके उधर आराम से लूट वूट करना है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। और गाइस इसके लिए आप लोगों को मिशा कैरेक्टर कुछ भी करके लेना है, क्योंकि गाड़ी या बाइक लेके अगर जाओगे ना कोई भी बंदा आप लोगों को मार नहीं पाएगा। सो गाइस ओपी तरीके से मैं इस बॉक्स के सामने आ गया और इधर चारों तरफ कोई भी बंदा नहीं है, तो आराम से मेरे को जो जो चाहिए सब कुछ इधर मिल जाएगा मेरे को। और गाइस क्या लूट करना है, कुछ भी करो गाइस, मैक्स लो,
कुछ भी कर लो, मैक्स लो। M41Z मैंने ले लिया इधर से, और अगर नहीं होगा तो मैक्स कर लूंगा, मेरे पास टोकन होगा। और गाइस इधर से मैंने M10 ले लिया, क्योंकि गाइस M10 अगर रहेगा ना सोलो में आप लोगों को लास्ट के टाइम ना, कोई भी बंदा है कितना भी प्रो हो, अगर आप लोग 2-3 गोली मारोगे ना बंदा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गाइस M10 बहुत ही खतरनाक है अगर आप लोग 3 चिप लगा लेते हो उसमें। तो गाइस मेरा अभी भी एक्सट्रीम तरीके से लूट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वेंडर मशीन के सामने जा रहा हूं और उधर से चिप खरीद के ना M10 को भी मैक्स करूंगा और M41 को भी मैक्स करूंगा, ठीक है। तो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक्सट्रीम लूट पहले कर लेना है, उसके बाद ही जाना है दूसरी तरफ। अगर जैसे कि इधर देखो मैं आ गया, आने के बाद ओपी तरीके से चिप विप खरीद के आराम से सब कुछ मैक्स कर लिया, और मैक्स करने के टाइम ना फटाक से मेरे सामने और एक बंदा आ गया। तो मैंने उसको बहुत बार हेड मारने की ट्राई की, लेकिन गाइस उसको एम नहीं लगा, और गाइस उसने मेरे को मारने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया, गाड़ी लेके ना इधर से निकल गया, उसको गाड़ी से उड़ाऊंगा, वो मेरा प्लान था। तो मैंने उसको गाड़ी से नहीं तो उड़ा पाया, लेकिन गाड़ी लेके इधर से निकल रहा था, लेकिन पीछे से उसने मेरा गाड़ी तोड़ दिया। लेकिन मेरे पास था M10, आप लोग ध्यान से देखो इस चीज को, बंदा मेरे सामने आ रहा था मारने के लिए मेरे को, भाई निकल के मैंने 2 गोली मारा, बंदा खत्म। तो गाइस देखा एक्सट्रीम लूट करने का फायदा, इस तरह मैंने आराम से 2 किल कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या करना है ध्यान से सुनो, मेरा 2 किल हो गया, मेरा एक्सट्रीम लूट भी है मेरे पास। तो अभी क्या करना है, अभी अच्छे से जोन रोटेट करना है, मतलब प्रो तरीके से जोन रोटेशन करना है, जो हम लोगों का 4 नंबर पॉइंट है। ओके, सो ध्यान से देखो ये चीज, इस टाइम में ना बहुत सारे बंदे मर जाते हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एकदम कवर कवर लेके ना जहां पर भी जाना है ना उधर जाना है। अगर आप लोग जोन के साइड में हो ना, उधर से आप लोग कुछ भी करके गाड़ी या बाइक लेके आओ, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था मिशा करेक्टर आप लोगों को कुछ भी करके लेना है अगर आप लोगों को प्रो जोन रोटेशन करना है, ठीक है। तो गाइस मिशा करेक्टर लेके आप लोग गाड़ी लेके जोन के बाहर से अंदर आ सकते हो, या तो आप लोग अगर कवर में जा रहे हो ना एकदम कवर कवर लेके चारों तरफ देखते देखते एकदम ओपी तरीके से कवर कवर लेके आप जहां पर भी जा रहे हो उधर जाओ। मुझे सामने ही जाना था इसलिए मैंने गाड़ी नहीं लिया, अगर मेरे पास गाड़ी होता इधर साइड में गाड़ी होता मैं गाड़ी लेके ही जाता। तो इसको ही बोलते हैं गाइस प्रो जोन रोटेशन। ओके, सो गाइस अभी हम लोगों का जो 5 नंबर पॉइंट है वो है गाइस नेक्स्ट लेवल कवर, मतलब आप लोगों को ना लास्ट के टाइम में जब टॉप 10 या टॉप 15 आ जाए ना, उस टाइम आप लोगों को जब लास्ट जोन गिर जाए ना, उस टाइम आप लोगों को एकदम ओपी तरीके से ना एक कवर ढूंढ लेना है। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो मैं इस घर के अंदर आ गया और आके आराम से एक थर्ड पार्टी करके बंदे को मार भी दिया, ठीक है। 3 किल मेरा कंप्लीट हो चुका था, और गाइस दूसरा बंदा मेरे को मार रहा था, मैं ओपी तरीके से घर के अंदर आ गया, चारों तरफ कवर है। तो गाइस ये चीज को ना आप लोगों को समझना होगा, लास्ट के मोमेंट में आप लोग कुछ भी करो परमानेंट कवर लो एकदम नेक्स्ट लेवल वाला, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से थर्ड पार्टी कर पाओ और कोई बंदा आप लोगों को आराम से ना मार पाए। तो ये चीज याद रखना, जब तक ना टॉप 2 हो जाए, जब तक ना लास्ट बंदा आ जाए, उस टाइम तक आप लोग इधर ही रखो। तो फिर क्या होगा गाइस, आप लोगों को इजी तरीके से एकदम ओपी तरीके से बुइया मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इधर ही रुका हूं, जब तक ना जोन छोटा हो रहा है मैं इधर ही हूं, निकल नहीं रहा हूं, इधर ही बैठ के चारों तरफ बंदे को देख रहा हूं, कोई बंदे का फाइट अगर होगा तो ही उसको मारूंगा, नहीं तो इधर ही बैठा रहूंगा। उसके बाद गाइस बहुत सारे टाइम इधर वेट करने के बाद फिर से जोन छोटा हो गया और सामने जोन गिरा था, तो मैं ओपी तरीके से एकदम कवर में देखो उतर गया। उतरने के बाद फिर से मैं ओपी तरीके से एक कवर में चला गया, मतलब परमानेंट कवर में। तो इधर जाने के टाइम ना एक बंदा मेरे को फायर किया था, मैंने उसको स्पॉट कर लिया और गाइस क्या ही स्प्रे किया बंदे को और बंदा खत्म। तो ऐसे करके गाइस मेरा 4 किल भी कंप्लीट हो चुका था और गाइस मैं फिर से और एक परमानेंट कवर में आ गया। तो गाइस 3 बंदे अलाइव है। अभी आप लोगों को 6 नंबर पॉइंट जो है गाइस हम लोगों का इजी एंड सेफ बुया, वो कैसे करना है ध्यान से देखो। आप लोगों को ना एकदम परमानेंट कवर में रह के ना बंदे को मारना है। जैसे कि इधर देखो मैं दोनों बंदे का फाइट हो रहा है, तो मैं इधर बैठ के आराम से एक बंदे को पहले मार दिया और उसके बाद दूसरे बंदे को भी ओपी तरीके से मैंने मार दिया, क्योंकि दोनों बंदे के बीच फाइट हो रहा था। ओके, तो इसका फायदा उठा के आप लोगों को बुया ले लेना है। ओके, तो गाइस इसको ही बोलते हैं एकदम इजी एंड सेफ बुया। तो गाइस ऐसे करके अगर आप लोग खेलते हो ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बिना कोई टेंशन लेके, बिना कोई रिस्क लेके आप लोग आराम से बुया ले सकते हो, ठीक है। आप लोग आराम से ग्रैंड मास्टर मास्टर पहुंच सकते हो। तो गाइस इस ट्रिक को फॉलो करके सेम टू सेम ऐसी तरह ही मैं खेलता हूं, आप लोग भी प्लीज खेलो, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। ओके, सो गाइस ये था वीडियो, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और गाइस वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।